ही गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी टिप्स बाय गुलशन। सो गाइज आज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया ही नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा मेकअप लुक अंडर ₹10 और ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स एंड टीनेजर्स के लिए है। तो प्लीज़ वीडियो को आगे तक पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ EDS की ब्लैक आईब्रो पेंसिल और इसका प्राइस है ₹10। इसकी हेल्प से मैं अपनी दोनों आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी और उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी स्पिन्स BB क्रीम। इसको मैं फिंगर की हेल्प से अपने आईलेट्स पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एज अ कंसीलर, क्योंकि ₹10 में कोई भी कंसीलर नहीं आता है। और इसको एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ये ईजिली ब्लेंड हो जाता है। कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने यहाँ स्पिन्स BB पाउडर का यूज़ किया है, ये हमारी आईलेट्स को अच्छे से सेट कर देगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ EDS का रेड लिप लाइनर। इसको मैं अपनी दोनों आईज की क्रीज लाइंस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइज इसको ब्लेंड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाने के बाद बहुत अच्छा सा ट्रांजिशन शेड बन जाएगा। उसके बाद मैंने सेम ब्लैक पेंसिल की हेल्प से आउटर भी बनाने की कोशिश की थी, पर वो बनी नहीं रही थी क्योंकि ये पेंसिल बहुत ज़्यादा ड्राई थी, आईलेट्स पर चल ही नहीं रही थी। उसके बाद मैंने एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपने आउटर वी पर वी शेप बनाते हुए इसको अप्लाई किया है और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी जिससे इसमें कोई हार्श लाइन्स ना दिखें। ब्लेंडिंग हो जाने के बाद मैं लूँगी स्पिन्स BB क्रीम और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे मैं अपने हाफ आईलेट्स पर अप्लाई करूँगी और कट क्रीज बनाऊँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मैक का ट्रांसलूशन सिमर पाउडर। इसको मैं फ्लैट आई शेडो ब्रश से अपनी कट क्रीज एरिया पर अप्लाई कर लूँगी। गाइस ये ट्रांसलूशन पाउडर है, ग्लिटर वाला मुझे मिला नहीं था, अगर ग्लिटर वाला मिला होता तो इससे आई लुक और ज़्यादा अच्छा होता। दोनों आईज पर अप्लाई हो जाने के बाद मैंने एक क्लीन फ्लफी ब्रश की हेल्प से क्रीज एरिया और आउटर वी को अच्छे से ब्लेंड किया है जिससे दोनों ब्लेंडेबल लगे, अलग अलग ना लगे। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है मैम्बो वाटरप्रूफ लिक्विड आईलाइनर। गाइस ये वाटरप्रूफ आईलाइनर तो बिल्कुल भी नहीं है और ₹10 में आपको वाटरप्रूफ आईलाइनर कहीं मिलेगा भी नहीं। और इसकी हेल्प से मैंने एक सिंपल आईलाइनर अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ओटो शाइन का लिक्विड मस्कारा। इसको भी मैंने अपनी आईलैशेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया था और ये भी मुझे ₹10 में मिल गई थी। और मैंने यहाँ फॉल्स आईलैशेस भी अप्लाई कर ली थी, बैक कैमरा साइड में आपको दिख जाएंगी मैंने कौन सी फॉल्सेस अप्लाई की हैं और ये भी मुझे ₹10 में मिल गई थी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ जॉय स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। गाइज ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर देती है और कोई भी मेकअप करने से पहले स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फाउंडेशन के लिए मैं ये वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और इस फाउंडेशन से तो इसका नेम ही रिमूव था, ₹10 में मुझे ये ऐसे ही मिला। इसको मैं अपने पूरे फेस एंड नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइस इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी ₹10 के हिसाब से और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये ब्लेंड भी हो रहा था। उसके बाद मैंने फाउंडेशन और BB क्रीम को मिक्स करके कंसीलर बनाया है क्योंकि ₹10 में कंसीलर भी नहीं मिलता है। और उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर को अंडर एरिया, फोरहेड, चिन, ब्रिज ऑफ द नोज़ और सारे हाइलाइटेड एरियाज़ पर अप्लाई किया है और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कंसीलर को ब्लेंड किया है। मेकअप बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है स्पिन्स BB पाउडर और ये बहुत ज़्यादा अच्छा पाउडर है, फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर देता है और थोड़ी बहुत कवरेज भी दे देता है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं EDS के रेड लिप लाइनर को अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी, उसके बाद ब्लैक एंड रेड कलर को स्मज करते हुए ब्लेंड कर दूँगी जिससे दोनों कलर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर टाउन की लिपस्टिक एज अ ब्लश। इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइज ये लिपस्टिक एकदम ड्राई थी, इसको ब्लेंड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का ट्रांसलूशन शिमर पाउडर जो मैंने आईज़ के लिए यूज़ किया था। गाइज ये शिमर पाउडर एज अ हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, इसको मैंने अपने सारे हाइलाइटेड एरियाज़ पर अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैंने EDS के सेम रेड लिप लाइनर से अपने लिप्स को आउटलाइन किया है। गाइज ये बहुत अच्छा लिप लाइनर है और पिगमेंटेड भी है।
नेक्स्ट मैंने टर्बो की रेड लिपस्टिक यूज़ की है, इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और गाइज ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा शाइनी सी थी, इसलिए इसको मैट लुक देने के लिए मैंने इस पर थोड़ा सा पाउडर अप्लाई किया था। ये बहुत अच्छा है कि अगर आप भी अपनी लिपस्टिक को मैट लुक देना चाहते हैं तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।